नागपुर के श्री गुरु कृपा आश्रम के सर्वी धाम में हुआ महायज्ञ। बता दें, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महायज्ञ का आयोजन संपन्न हुआ। इस आयोजन में कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, भक्तों ने महायज्ञ और कीर्तन का आनंद लिया। बता दें, महर्षि भगीरथ महाराज गुरुदेव ने कार्यक्रम की विस्तारित जानकारी देते हुए बताया कि यह महायज्ञ प्रतिवर्ष देश के और सृष्टि के जनमानस के लिए कल्याण हेतु किया जाता है, जिससे वातावरण पवित्र होता है और मनुष्य के जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। यज्ञ से वायुमंडल शुद्ध होता है, यज्ञ से विश्व का कल्याण होते हैं, भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं यज्ञ से, और प्रसन्न होकर के भगवान विश्व कल्याण के लिए आशीर्वाद प्रदान सबको करते हैं। और ये ऋषि मुनि परंपरा है, ये आज से नहीं, त्रेता युग से चले आया है। हमारे सप्त ऋषियों ने सदा से यज्ञ करते आए हैं विश्व कल्याण के लिए। हमारे विश्वामित्र जी विख्यात हैं इस यज्ञ के लिए। गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहिं निश्चर पापी। निशाचरों का अंत हरि के बिना नहीं होगा, तो हरि को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ भी किए, और यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने यज्ञ अनुष्ठान यज्ञ स्थल पर ले आए थे। तो आज अयोध्या श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, और राम जी का असीम कृपा, तो आज यहाँ पर 3 दिवसीय 25 जनवरी से 27 जनवरी तक इस यज्ञ को रखा गया। आज का पूर्णा होती है, तो प्रतिवर्ष 9 दिन चलता था, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के कारण और ज़्यादा पब्लिक ना बढ़े, ऐसे 50 लोगों में प्रतिदिन 50 लोगों को लेकर के हमने इस यज्ञ अनुष्ठान को पूर्ण किया आज राम जी की कृपा से, और विश्व का कल्याण के लिए ये हम यज्ञ किए। इसमें कोई कोरोना से संबंध नहीं है। और वसुधैव कुटुंबकम, विश्व हमारा कुटुंब है। हम 50 लोग कर रहे हैं तो केवल 50 लोगों का कल्याण हो, ऐसा नहीं, विश्व का कल्याण हो। जैसे कि मिर्ची को डाल दिया जाता है तो मिर्ची डालने वाले को ही खांसी आता है, ऐसा नहीं है, और उस पड़ोस के सभी लोगों को आता है। इसी प्रकार से यज्ञ में आहुति डालने से केवल डालने वाले का ही कल्याण होता है, ऐसा नहीं है, जो नहीं डालते उनका भी कल्याण होता है। तो विश्व कल्याण के लिए यज्ञ को आज संपूर्ण रूप से संपन्न किया गया। आज का पूर्णाहुति हुआ है। मानव को वही करना चाहिए कि मानव पहले सतयुग से लेकर के त्रेता युग द्वापर युग में करते आए हैं, और कली काल में तो बहुत सरल बताया, कलियुग केवल नाम आधारा। तो हम लोगों ने 3 चीज़ करना चाहिए, और वो करना चाहिए, करना पड़ेगा, काम, नाम और भोजन। तो इनमें शुद्धि हो, काम करें संभल कर, दूरी बना करके, मास्क लगा करके, भोजन शुद्ध हो। आज भोजन भी शुद्ध नहीं रहा, क्योंकि जैविक खाद चला गया। आज खेतों में ट्रैक्टर चलती है, बैलों से खेती नहीं होती। यूरिया, डीएफी, सल्फाइट मार करके अनाज की शक्ति को कमज़ोर बना दिया हमने। तो वो खाने से केवल पेट भरता है, पर हमें जो एनर्जी मिलना चाहिए, हम प्रोटीन मिलना चाहिए, वो हमें मिल नहीं पाता। और वायुमंडल दूषित हो गया है, कारण प्रदूषण आज ज़्यादा होने लगा, क्योंकि जल, जंगल, जमीन ये नष्ट होने लगा। इस कारण तो हम लोग जंगल भी बढ़ाएं, घर घर गाय पालें, और सात्विक बने, धार्मिक बने, सत्यम परम धीमहि सत्य दया अहिंसा के मार्ग पर चले, किसी भी जीव का हत्या ना करें, किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाएं। सदा भगवान से हम प्रार्थना करें, ऊंची सोच, कड़ी मेहनत, पक्के इरादे हमारे रहना चाहिए, और ऐसे यज्ञ अनुष्ठान प्रत्येक घर में होना चाहिए। भीड़ लगाकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा है तो राजा की आज्ञा की पालन करना होता है। तो हमने नियम की पालन करना चाहिए, और करते हुए, ध्यान में रखते हुए, अपने अपने घरों में भी यज्ञ अनुष्ठान कर सकते हैं। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।